नमस्कार दोस्तों, सर्जिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, ऑल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ग्रेड सी, ग्रेड बी और ग्रेड ए ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग जो है इसके रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, जब आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है ये ओपन हो जाएगा रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो देखिए, जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को ओपन कीजिएगा तो इसमें जो है आपको वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि आपका सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ड्रिलिंग का है। तो इसमें देखिए 3 वैकेंसी आपके निकाली गई है और इसका जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया हुआ है तो वो आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए, 4 ईयर ड्यूरेशन का, विथ मिनिमम 65% मार्क्स आपका होना चाहिए और 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये तो आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का है जो कि ड्रिलिंग के लिए है, लेकिन जो काम वाला इसमें आपका पोस्ट है तो वो नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसमें कि आपका जो है ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। तो इसमें देखिए, जो इलेक्ट्रिकल का सीनियर ऑफिसर का है तो इनका टोटल जो है 5 वैकेंसी निकाली गई है और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया तो वो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन का और साथ में आपको 65% मार्क्स होना चाहिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। और वहीं पे देखिए नीचे आपका है, इसमें जो आपका दिया हुआ है सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए है, तो इनके लिए जो है टोटल 18 वैकेंसी निकाली गई है और क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे जो मांगा गया आपका यहाँ पे, तो वो आपका है बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 4 ईयर मिनिमम ड्यूरेशन का और साथ में 65% मार्क्स आपका होना चाहिए। अब इसमें देखिए किसको एक्सक्लूड किया गया, मतलब कि ये नहीं फिल कर सकता है, जैसे आपका अगर ये इन ब्रांच में आपने किया होगा ऑटोमेशन में, ऑटोमोबाइल या फिर जो इंडस्ट्रियल पावर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन या फिर जो मेगाट्रॉनिक्स या फिर माइनिंग या मैरिन रोबोटिक्स है, तो इनको जो है एक्सक्लूड किया गया हुआ है, इनको इंक्लूड नहीं किया गया हुआ इसमें। और वहीं पे देखिए सीनियर ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटेशन का है तो इनके लिए टोटल 4 वैकेंसी है, तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन का और 65% मार्क्स होना चाहिए। तो इसके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया हुआ है। फिर इसमें और भी वैकेंसी है, जैसे सीनियर ऑफिसर जियो फिजिक्स का है, इनका 5 वैकेंसी है, इनके लिए देखिए मांगे क्वालिफिकेशन तो आपका पीजी इन जियो फिजिक्स होना चाहिए विथ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का जो होना चाहिए। ये और भी वैकेंसी इसमें आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो टोटल मिला जुला के है जिसमें आपके 42 वैकेंसी पूरे निकाली गई है। और यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है तो वो आपका जनरल ओबीसी जो कैंडिडेट है तो उनके लिए 500 है और प्लस टैक्सेस जो भी लगेगा आपका, और बाकी जो एसटीएससी पीडब्ल्यूडी या फिर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है एक सर्विसमैन है तो उनके लिए कोई फ़ी नहीं पे करना है उनको। अब उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका दिया हुआ है तो इसमें आपका देखिए दो फेज में आपके होंगे। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके होंगे सीबीटी, तो जिसमें कि टोटल मार्क्स जो आपके रहेंगे तो ये 100 मार्क्स का रहेंगे आपके, तो इसका वेटेज आपका 85% आपका रहेगा इसमें। तो इसमें देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखी गई है, 50% होना चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और 40% एसटीएससी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए है, और बाकी जो फेज 2 आपका है तो इसमें देखिए जो आपका वेटेज है तो वो आपका जैसे 85.2% तो आपका रिटर्न का हो गया और बचा जो 15% आपका है तो ग्रुप डिस्कशन में आपका जैसे जो ग्रुप टास्क आपका होगा तो इसका वेटेज आपका यहाँ पे है 5% रहेगा, जो कि 30 मार्क्स का रहेंगे आपके ये। और जो पर्सनल इंटरव्यू होती है आपका 10 मार्क्स का रहेगा, जिसका वेटेज 10% का रहेगा। अब ये सारे देखिए जो होंगे ये नॉन क्वालिफाइंग मार्क्स आपके, इसमें कोई मिनिमम नहीं रखा गया आपका यहाँ पे कितना आपको लाना है यहाँ पे, बस रिटर्न में ये रखा गया कितना आपको लाना है यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ मिला के फेज 1 फेज 2 से जो है आपका ओवरऑल सेलेक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए जो ये आपका फॉर्म फिल करने का जो डेट आपका होगा तो ये 1/10/2020 से आपको फॉर्म फिल होगा और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन करने का तो वो आपका है 30/10/2020 है। तो चलिए, आपका यदि और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना।